नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में गुरुवार सुबह हुए स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि इस बस का जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था और जिस समय ये दुर्घटना हुई उस समय बस की स्पीड काफी तेज थी। तेज रफ्तार बस को शराब के नशे में धुत ड्राइवर संभाल नहीं सका और पास के पेड़ से टकरा गया। घटनास्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बस पलटने का वीडियो डरा देने वाला है। हैरानी की बात यह भी है कि कनीना का जीएलपी स्कूल ईद की छुट्टी होने के बावजूद भी खुला हुआ था और स्कूल की बस का ड्राइवर अलग अलग गांवों के 43 बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था और ये दर्दनाक हादसा तभी हो गया। सरकार के जरिए 4 सदस्यीय पैनल को नियुक्त किया जाएगा जो महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस दुर्घटना की जांच करने वाला है। ये पैनल इस बात का पता लगाएगा कि आखिर किन वजह से ये हादसा हुआ है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने वाहन सुरक्षा नीति को लेकर शुक्रवार यानी कि आज दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राज्य के कई क्षेत्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में सुबह हुए स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट हैं। यह दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि बस का ड्राइवर शराब के नशे में था। जिस समय दुर्घटना हुई उस समय बस की स्पीड काफी ज्यादा थी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हादसे वाली जगह से पहले पड़ने वाले गांव में लोगों ने ड्राइवर को रोककर उससे बस की चाबी छीन ली थी क्योंकि वह शराब के नशे में धुत था। स्कूल प्रबंधन को फोन पर शिकायत भी की गई, हालांकि प्रबंधन ने कहा कि वह ड्राइवर को हटा देंगे, फिलहाल उसे चाबी देकर जाने दें। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि स्कूल प्रबंधन के आश्वासन पर ड्राइवर को चाबी दे दी गई और फिर कुछ दूर जाकर उन्होंने गांव के पास बस हादसे को लेकर शिकार हुई है और इस हादसे की वजह से प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी कहा कि दुर्घटना का शिकार हुई बस पर हाल ही में जुर्माना भी लगाया गया था क्योंकि उसके पहले भी कुछ दस्तावेज नहीं थे। जुर्माने के बाद भी बस का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह स्कूल अधिकारियों की ओर से स्पष्ट चूक थी। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि दुर्घटना का शिकार हुई बस पर पहले से भी कई जुर्माने लगे हुए थे क्योंकि उसके पास जरूरी दस्तावेज भी मौजूद नहीं थे। जुर्माने के बाद भी बस का इस्तेमाल किया जा रहा था, यह स्कूल अधिकारियों की ओर से स्पष्ट चूक भी थी। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को भी निर्देश दिया जा रहा है कि स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अगर जांच में क्षेत्र के मोटर वाहन निरीक्षण की गलती पाई गई तो उन्होंने बस के पास में वैलिड दस्तावेज नहीं होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की और उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। साथ ही आपको बताते चले कि सभी स्कूल बसों की फिटनेस की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिला परिवहन अधिकारी इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को सर्कुलर भी जारी करेंगे। अस्पताल में घायल बच्चों से मुलाकात करने के लिए भी लगातार शिक्षा मंत्री भी पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चूक रही और ईद की छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला हुआ था। उन्होंने बताया कि स्कूल को कारण बताओ नोटिस भी जारी करना चाहिए और कुछ अन्य स्कूलों को भी नोटिस मिला है। कनीना से घनौदा जाने वाले रोड पर कन्या महाविद्यालय के पास मोड़ पर तेज रफ्तार बस को शराब के नशे में धुत ड्राइवर संभाल नहीं सका। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश ढाका जुड़ चुके हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये जो बस का बच्चों के अगर हालात की बात की जाए तो बच्चे जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी हालात कैसे हैं? देखिए, हालात तो देखने वाले थे ये कि एक बड़ा हादसा कहीं ना कहीं हरियाणा राज्य के जिला महेंद्रगढ़ के कनीना के अंदर होता है, जिसको लेकर के अब पूरे हरियाणा के अंदर खलबली मच चुकी है और वहीं देखी जाए तो 8 मौतें वहां पर जो है बच्चों की हो चुकी है और कुछ बच्चों की हालत अभी भी नाजुक बनी है। लेकिन शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने वहां जाकर जायजा मौके का लिया है और कहीं ना कहीं एक सांत्वना भी परिवारों को दी है। लेकिन क्या इन चीजों से क्या उन परिवारों की भरपाई हो पाएगी? जिस घर से एक एक बच्चे, एक दो बच्चे होते हैं, उनके फिराक आज हो चुके हैं। एक बड़ा हादसा ये हुआ है, इसको लेकर के आज की अगर बात करूं तो फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है चेकिंग
हरियाणा पुलिस के द्वारा वो चलाया जा रहा है। एसपी आस्था मोदी और मौजूदा जो डीसी महोदय है उन्होंने जो है एक्शन यहाँ पर ले लिया है। संजय बिश्नोई आरटीए उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा है कि आज भी हमारी दो टीमें जो है वो स्कूल स्कूल जाकर के वो चेकिंग अभियान वो चला रही है ताकि किसी भी गाड़ी के अगर डॉक्यूमेंट अधूरे मिलते हैं तो उन गाड़ियों को जो है उनका सिस्टम रद्द किया जाएगा। स्कूल के जो प्रिंसिपल है स्कूल के मालिक है उनको कड़े निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ड्राइवरों को भी सावधानी बरतनी होगी। ये हादसे जो होते है और अब जो हादसा महेंद्रगढ़ का हुआ इसको लेकर के बताना चाहूंगा, शराब के नशे में ड्राइवर था तो अब स्कूल संचालकों के लिए बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि जिस बस के अंदर 40-50 जो बच्चे सफर करते थे उस बस के स्टेयरिंग को ऐसे ड्राइवर के हाथ में ना दिया जाए जो नशा करता हो जो शराब पीता हो। तो ये तमाम चीजें अभी देखनी होगी और पुलिस ने कड़ा एक्शन ले लिया है। फतेहाबाद के अंदर जगह जगह पर आज सुबह से भी 5 बसों के चालान काटे गए हैं, कागज अधूरे मिले हैं उनको रोका गया है, कुछ एक बस मिली है जिसका नंबर प्लेट ही नहीं थी। तो इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है लेकिन स्कूल संचालकों को भी कड़ा ध्यान देना होगा ताकि आगे से भविष्य में बड़े हादसे ना हो। जी जी ये भी जानकारी सामने आई कि दुर्घटना का शिकार हुई बस का हाल ही में जुर्माना भी हुआ था लेकिन उसके बाद भी वो बस जो है वो चल रही थी। देखिए बताना चाहूंगा बिल्कुल ये चीजें सामने निकल कर आई है और इससे पहले भी इस व्यक्ति ने इस ड्राइवर ने जो शराब का नशा करके कुछ हरकतें की थी तब जाकर के पहले भी ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को जो अवगत कराया था लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक जो हुई है। प्रिंसिपल ने जो ये कहकर छोड़ दिया था कि इसको हटा देंगे लेकिन बावजूद उसके जो ये ड्राइवर चलता रहा और आज जो है 8 बच्चों की जाने जो गई है उसके लिए आज क्या स्कूल अगर बात कर ली जाए ड्राइवर को हटा दिया जाए इसका ड्राइवर को हटाने से क्या उन 5 बच्चों की जाने आ जाएंगी? क्या वो 5 बच्चे उस घर के अंदर वापसी लौट पाएंगे? क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? कहीं ना कहीं बड़ा एक हादसा अगर हरियाणा राज्य की बात करें तो महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ जिसको लेकर के हर एक व्यक्ति का हृदय कांप चुका है। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं, किन हालातों के अंदर ये गाड़ियां चल रही थी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं पाए जाते, स्कूल मालिकों से प्रिंसिपल तुरंत प्रभाव से आज हमारे हर खबर टीवी चैनल के माध्यम से वो संज्ञान ले और ड्राइवरों की मीटिंग बार बार ली जाए। ड्राइवर कंडक्टर ये जो मेन कड़ी स्कूल की होती है उनको बार बार चेताया जाए कोई भी बड़ी चूक ना हो, अच्छे ड्राइवर रखे जाए। शराब का नशा करने वाला ड्राइवर स्कूल के बस की सीट पर नहीं बैठना चाहिए, ये एक बहुत ही देखने वाली बात होगी। पुलिस प्रशासन अलर्ट है, हर एक जिले के डीसी शिक्षा विभाग अलर्ट है। आप घटना घटने के बाद ये अलर्ट हुए, क्या पहले से सचेत नहीं हो सकते थे? क्या पहले से गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जा सकते? लेकिन जागता है प्रशासन, लेट जागता है, बड़े हादसे हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कागज जो है वो स्कूल मालिक दुरुस्त करा पाएंगे, क्या अच्छे ड्राइवर रख पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के माता पिता के ऊपर जो क्या गुजरी होगी वो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होगा। जी रमेश आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ मोनू पांचाल भी जुड़ चुके हैं। मोनू आपसे मेरा सवाल यही है कि स्कूल सुरक्षा के मानकों पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है इस घटना ने जो है पूरे हरियाणा को जो है वो झिझोड़ के रख दिया और उसके साथ साथ तमाम जो माता पिता है वो पूरी तरीके से इस जो घटना के बाद घबराए हुए हैं कि आखिरकार वो अपने बच्चों को स्कूल किस विश्वास पर भेजे, किसको किसके अनुसार भेजे या किस पर विश्वास करे या ड्राइवर पर करे या स्कूल के प्रशासन पर करे। तो इसको लेकर के काफी जो माता पिताओं के जो मतलब बच्चों के जो माता पिता है वो पूरी तरीके से हुए तो कहीं ना कहीं पूरा दिन जो है वो जो है टाइट करके जो है जब आज बच्चों को जो है स्कूल भेजा गया लेकिन कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन जागता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अंकिता इसके साथ साथ जिस तरीके से देखा जाए तो प्राइवेट जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो ठगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन से बात की जाए तो लॉकडाउन से लेकर के आज तक जितनी भी छुट्टियां सरकार ने जो की है उसके अनुसार जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी प्राइवेट स्कूल है वो छुट्टियां नहीं करते, चाहे वो छुट्टियों की बात कर ली जाए क्योंकि सभी बच्चों के पेपर हो चुके हैं और लगभग सरकारी छुट्टियां जो होती है वो लगभग एक महीने की छुट्टियां पड़ती है लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो वो 15 दिन की छुट्टियां जो है वो बच्चों की करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ठेंगा दिखाने का काम करते हैं। कल की बात की जाए तो कल ईद थी, बड़ा त्योहार था और कहीं ना कहीं पूरे भारत जो है वो पूरी तरीके से सरकारी छुट्टी थी
लेकिन सरकार की अवहेलना करते हुए, सरकार को ठेंगा दिखाते हुए और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल वो धड़ल्ले से चले। और आप जिस तरीके से बड़ा हादसा, क्योंकि कल सागर प्राइवेट स्कूल नहीं खुलता तो कहीं ये बड़ा हादसा नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है अंकिता, सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी की लापरवाही यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो ही जो है छुट्टियों का ऐलान करता है, क्योंकि चंडीगढ़ से जो है वो छुट्टी का ऐलान आता है और कहीं ना कहीं अपने अपने जिलों में जो है वो शिक्षा अधिकारी सभी स्कूलों में जो है वो जो है लेटर जारी करती है, और उसके बावजूद भी जो है वो प्राइवेट स्कूल फिर भी चलते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अगर बात देखी जाए तो जिले का जो शिक्षा अधिकारी है सबसे बड़ी लापरवाही उसकी देखी जा सकती है। आखिरकार अगर कोई नॉलेज में डालता, कोई अभिभावक शिकायत अगर शिक्षा अधिकारी को करता है तो उसके साथ यही कहा जाता है एक कार्रवाई करेंगे, अमल में लाई जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो ही रवैया तीन ढाक के तीन पत्ते वो ही नजर आते हैं अंकिता, कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अनुमान भी लोगों यही लगाते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों की सेटिंग जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारी के साथ होती है और जब इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इस तरीके के आरोप जो है अभिभावक यहाँ पर लगाते हुए नजर आते हैं। चाहे वो अब कल की बात चली जाए तो आखिरकार अब शिक्षा विभाग उस स्कूल के ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, क्या ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई करेगा, क्या शिक्षा जो है स्कूल जो प्रशासन है प्राइवेट स्कूल क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। आज फरीदाबाद की बात की जाए तो आज फरीदाबाद में जो है पूरी तरीके से आईटी विभाग जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर रोडों पर नजर आया, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, वहां पर आईटी विभाग ने पूरी तरीके से जो प्राइवेट जो स्कूलों की जो बसें थी उनको जो है वो बारीकी से चेक किया गया। और यहाँ पर लगभग अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है अंकिता, यहाँ पर भी एक ऐसी बस मिली जो पूरी तरीके से एक्सपायर है, पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट जो है वो की गई है, दिल्ली का नंबर है, दिल्ली से ब्लैकलिस्ट है और वो हरियाणा में धड़ल्ले से स्कूल में चलाई जा रही है। अगर इस पे कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, क्या आईटी विभाग होगा या शिक्षा विभाग होगा या स्कूल प्रशासन होगा, तो तमाम बातें यहाँ पर अंकिता देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है पांच स्कूलों की बसों को इंपाउंड किया गया। और अंकिता इसके साथ साथ मैं बता दूं जो स्कूलों की बसों को इंपाउंड किया है वो नामी ग्रामीण स्कूल है, कोई हल्के फुल्के स्कूल नहीं है, पूरे फरीदाबाद में जो है उन स्कूलों को जाना जाता है, चाहे वो नंदा की स्कूल की बात कर ली जाए, चाहे वो बाकी बिहारी स्कूल की बात कर ली जाए, तमाम जो स्कूल है वो नामी ग्रामीण स्कूल माने जाते हैं फरीदाबाद के अंदर। उनकी बसें इस तरीके की हालात में मिली है कि उनकी जो इंश्योरेंस है वो पूरी तरीके से खत्म है, वैलिडिटी है वो खत्म है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ फोन लाइन पर अरविंद यादव जुड़ चुके हैं। अरविंद, मेरा सवाल आपसे यही है क्योंकि आप महेंद्रगढ़ से अभी जुड़े हुए हैं, तो अस्पताल में कितने बच्चे अभी तक भर्ती हैं, उनकी स्थिति भी कैसी है? जी बिल्कुल, अगर महेंद्रगढ़ हादसे की बात करें तो अभी फिलहाल जो बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे थे, उनको रेवाड़ी में एडमिट करवाया गया, रेवाड़ी के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। करीब 19 अस्पतालों में बच्चों को एडमिट करवाया गया था, करीब 10 से 11 बच्चों को जो है छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनको हायर सेंटर रेफर करने की बातें सामने आई है, और कुछ बच्चों को गुड़गावा जो हायर सेंटर है वहां पर भी भेजा गया है। और अभी मेरे एक साथी बता रहे थे कि जिला प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं चैनल के हमारे श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर कितने कठोर कदम उठा रही है। इसका एक उदाहरण इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस जिला शिक्षा अधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, जिस जिला शिक्षा अधिकारी की सबसे बड़ी लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ, उसे ही जांच कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी जांच करेंगे। अरविंद, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आज 3 बजे बैठक भी होनी है, शिक्षा विभाग ने वाहन सुरक्षा नीति को लेकर आज बैठक बुलाई है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में हम एक चीज को बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार मीटिंगें बुलाई जा रही है, हरियाणा सरकार मीटिंगें जरूर बुला रही है, लगातार डीसी को एसपी को आदेश दिए जा रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आश्वासन इस बात का दिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले को समझने से पहले हमें एक चीज पर ध्यान देना होगा कि अगर परिवहन विभाग की बात करें तो परिवहन विभाग के 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने की जो बात है वो सामने आई और उनके ऊपर एक्शन भी हुआ। बसों की जो जांच है उसको लेकर भी तमाम हरियाणा में इस प्रकार की बातें हुई कि लगातार जो छापेमारी वो की जा रही है, और कोई भी बस ऐसी पाई जाती है तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन पूरा का पूरा मसला यहाँ पर आकर रुकता है कि जहाँ शिक्षा विभाग की बात आती है तो
कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इस मामले में हाथ डालने से डर रही है, कतरा रही है। आखिर ये क्या कारण है, इस कारण के बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया, क्योंकि परिवहन विभाग की जो अनियमितताएं थी उनको लेकर कार्रवाई जरूर की जा रही है। ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, स्कूल जो प्रिंसिपल है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, स्कूल का जो सचिव है उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में कोई गिरफ्तारियां हुई है अभी तक। तीन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो बस का ड्राइवर है उसे गिरफ्तार किया गया है, साथ ही जो स्कूल का सचिव है उसे गिरफ्तार किया गया है, और जो स्कूल की प्रिंसिपल है उन्हें गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो बसें हैं उनकी भी गहनता से जांच की जाएगी, कितनी बसें ऐसी हैं स्कूल की जिनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो सही नहीं है। जी जी अरविंदर, आपसे ये भी मेरा सवाल है कि लगातार अब जो मानकों पर ध्यान दिया जा रहा है और सर्कुलर भी जारी किया गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बात मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि हादसा होने के बाद पूरे हरकत में अगर सरकार आ रही है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हादसे की असल वजह के ऊपर अगर हम जाते हैं, शिक्षा विभाग की जो जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी को सही तरीके से निभाया नहीं जा रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। और आज महेंद्रगढ़ जिले के अलावा तमाम हरियाणा में जिस बात का आक्रोश है, उस आक्रोश को शायद हरियाणा सरकार नहीं समझ पा रही है। शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आखिर क्यों बचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही, किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी को या फिर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसके बचाव में उसको जांच कमेटी का सदस्य बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश उसे की जा रही है। जी जी अरविंदर, परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? परिजनों की मांगे बिल्कुल साफ तौर पर यही है कि जो भी हादसा हुआ उस हादसे में जितने भी लोग जिम्मेवार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं विपक्ष भी इस चीज को लगातार, राजनीतिकरण यहां पर शुरू हो चुका है, आप भी इसको समझते हैं, कुछ ही देर में जो परिजन, जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार जनों से मिलने के लिए कई राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जो ये हादसा हुआ उस हादसे की जो मूल जड़ है उस मूल जड़ को देखना चाहिए, और हरियाणा सरकार को चाहिए कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जिनकी लापरवाही की वजह से पूरा हादसा हुआ। जी हरविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे है मोनू पंचाल जी, अगर बात की जाए आज की, बहुत ज्यादा अगर बात की जाए तो लगातार वाहन की चेकिंग की जा रही है, अलर्ट भी जारी किए गए हैं, इस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए अंकिता, जिस तरीके से जो 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 बीते कल का जो हादसा हुआ है उसके चलते जो है पूरे जो आईटी विभाग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। उन्होंने जो है पूरी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो निजी जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो कहीं ना कहीं अवैध बसों को पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है, और वही ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आईटी विभाग ने आज पूरी तरीके से मुस्तैदी से आज सभी बसों को चेक किया, और सभी लगभग जो है 30 बसों को यहाँ पर चेक किया गया, और चेक के दौरान लगभग जो है 5 से 6 बसें ऐसी मिली जो कि जिनका इंश्योरेंस खत्म था, कोई बस ब्लैक लिस्ट थी, तो किसी जो है बस के जो है बिंदु पूरे नहीं है, तो तमाम जो खामियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अंकिता, इसमें सबसे बड़ी आईटी विभाग की ये भी है, यहाँ पर देखा गया जो ऊपर से आदेश है, क्योंकि चेक करने के दौरान अगर उस बस के अंदर स्कूली बच्चे हैं तो उन स्कूली बच्चों को जो है किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी ना आए या रास्ते में ना उतारा जाए, तो इस तरीके के आदेश भी ऊपर से आए हुए हैं। अंकिता, इसके साथ साथ मैं बता दूं, बस चेक करने के दौरान जब उसमें स्कूली बच्चे थे, स्कूल का जो है स्कूल का जो कंडक्टर था, ड्राइवर था, और साथ साथ पुलिस जो है वो पुलिस जो है खुद बस में बैठ करके स्कूल तक पहुंची है, और स्कूल में पहुंचने के बाद उन बच्चों को सुरक्षित जो है वो स्कूल में उतारने के बाद जो है उस बस को जो है फिर से इंपाउंड किया गया। तो इस तरीके की तमाम प्रक्रिया, क्योंकि बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर के पूरा जो आईटी विभाग है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ नजर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अंकिता, जिस तरीके से फरीदाबाद में बात की जाए तो नामी ग्रामीण स्कूल है, और कहीं ना कहीं राजनेताओं का हाथ भी इन स्कूलों के ऊपर होता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लापरवाही जो प्राइवेट स्कूलों की देखी जाती है तो वो जो लापरवाही। आप बने रहिए हमारे साथ रमेश चाचा जी। जी बताइए। देखिए, बताना चाहूंगा, ये नहीं कहता मैं कि प्राइवेट स्कूलों का अगर देखा जाए तो पूरा हर एक राज्य के अंदर इतना बड़ा योगदान होता है, वो एक अच्छी शिक्षाएं भी कहीं ना कहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एक जो लालच जो प्राइवेट स्कूल मालिक करते हैं उसका मैं खुलासा करना चाहूंगा।
कम सैलरी के ऊपर, जो कल भी काफी ड्राइवरों के सुझाव जो हमने लिए थे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि कुछ जो स्कूल मालिक है वो कम सैलरी देने के चक्कर में हल्के ड्राइवर लेते हैं। हल्के का मतलब ये होता है कि एक उसका छवि नहीं देखते, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, और कम सैलरी देने के चक्कर में ऐसे नशेड़ी व्यक्ति जिसने आज 8 बच्चों की जाने ले ली है, ऐसे व्यक्तियों को 50-60 बच्चे बिठा करके उसके हाथ में ना दे, उसको इन बच्चों की जिंदगी ना सौंपे उनके हाथों में, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक मामला देखने को जो मिला। इसको लेकर के स्कूल मालिक सभी जो है, जितने भी हर एक राज्य के अंदर कितने वो स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट, वो तमाम जो मालिक स्कूल और प्रिंसिपल वो इस बात का संज्ञान ले कि किसी भी प्रकार की बड़ी चूक ना हो, उसको लेकर के अच्छी सैलरी वाले ड्राइवर वो पद उसके सीट के ऊपर बैठाए और उनका बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाए। मैं यहाँ तक कहूंगा पुलिस वेरिफिकेशन भी लेनी चाहिए और इसके साथ साथ जो है नशा वो व्यक्ति ना करता हो, कहीं ना कहीं किसी की भी जान की जो है भरपाई, उन बच्चों की जान की भरपाई ना स्कूल मालिक कर सकता ना वो ड्राइवर कर सकता। सजा देने से क्या उन बच्चों की जिंदगी वापस लौट आएगी, ये एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। जी हरविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरविंदर आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो स्कूल प्रबंधन है वो कम सैलरी देने के बजाय उनको कम जो भी अनपढ़ लोग होते हैं या फिर कुछ ऐसे ही लोगों को भर्ती कर लेते हैं, उनकी कोई भी बैकग्राउंड पर जांच नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, इस कारण को समझने के लिए थोड़ा समय बैक में चलना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या होता है कि एक बस जब भी किसी गांव से बच्चे को लेकर स्कूल में पहुंचती है तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन को बचाने के चक्कर में बस संचालक क्या करते हैं कि उन्हीं गांव में उन बसों को खड़ा करवा देते हैं। अब रात के दौरान वो ड्राइवर नशा करते हैं, सुबह तक जो शराब का असर होता है वो उन लोगों पर होता है, वो उसी प्रकार से गाड़ी को स्टार्ट करते और बच्चों को बिठा के स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। जबकि पॉलिसी में इस चीज का होना चाहिए कि जितनी भी स्कूल की बसें होंगी वो स्कूल प्रांगण में खड़ी होंगी, सुबह ड्राइवर वहां पर पहुंचेगा और उसकी इस बात की जांच की जाएगी कि वो नशे में है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो नशे के अलावा नींद में भी ना हो। इन प्रकार की तमाम चीजों की जांच अगर स्कूल में होने लगेगी और बस स्कूल से होकर बच्चों को लेने के लिए वापस गांव में पहुंचेगी, तभी ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि शराब के नशे में अगर ड्राइवर है तो ड्राइवर का पता तब लगता है जब वो बच्चों को बिठाने के बाद स्कूल में पहुंचता है और उस बीच ही हादसे हो जाते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर स्टाफ को रखा हुआ तो स्टाफ सबसे पहले स्कूल में पहुंचे, वहां अपनी अटेंडेंस दे और वहां पर इस बात को चेक किया जाए कि वो नशे में तो है या नहीं है। साथ ही हर सीसीटीवी, हर जो स्कूल बस है उसमें सीसीटीवी का प्रावधान हरियाणा सरकार ने पहले भी रखा, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार की अनियमितताएं होती है, हादसे आपके सामने है, इतना बड़ा हादसा यहां पर हुआ। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर निकल के सामने आता है कि अगर एक आम आदमी एक बाइक पर सवार होकर कहीं भी जा रहा है तो वहां पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस के जो भी कर्मचारी है वो एक मिनट में इस बात का पता लगा लेते हैं कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं है, इस गाड़ी का पोल्यूशन है या नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार का शिक्षा विभाग इस बात का पता नहीं लगा पाया कि कितनी बसें ऐसी हैं जो अनफिटनेस है। जिस बस से हादसा हुआ उस बस को भी अगर मैं छोड़ देता हूं तो उसके अलावा भी दर्जनों ऐसी बस इस स्कूल की पाई गई है जिनके फिटनेस सर्टिफिकेट हमारा जो चैनल है वो लगातार दर्शकों को दिखा रहा है, जिसमें 10 से 12 बसें ऐसी जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट है ही नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर काम कर रही है। जी हरविंदर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस स्कूल का ये पूरा मामला है, क्या वो आज स्कूल खुला हुआ है, आज भी रोजाना की तरीके बसें आज बच्चों को लेने के लिए पहुंची हैं? नहीं, महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात करें तो तमाम महेंद्रगढ़ जिले में अभी तक ऐसा कोई समाचार हमें नहीं मिला है कि कोई स्कूल यहाँ पर खुला हो, और जिस स्कूल की ये पूरी बात है उसका खोलने का तो औचित्य ही पैदा नहीं होता, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जहाँ पे 6 बच्चों की होती है तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आक्रोशित जनता है, तो इस प्रकार की गलतियां तो शायद अब नहीं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ उस हादसे के अंदर जो लापरवाही हुई है उन लापरवाहियों को अगर समय रहते अभी भी अगर ठीक किया गया तो ऐसे हादसों से आगे बचा जा सकता है। मैं एक बार फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि आरटी विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग को भी इस चीज में संज्ञान लेना चाहिए, और शिक्षा विभाग अगर इस मामले में संज्ञान लेगा, क्योंकि कारण यह होता है कि एक बस को इंपोर्न कर देने से स्कूल को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, स्कूल के खिलाफ एक्शन होगा या स्कूल मालिक के खिलाफ FIR होगी, उस समय इन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि छोटी सी एक बस को पकड़ने से इतने बड़े जो स्कूल के संचालक हैं ये इतने बड़े लेवल पे होते हैं कि इनको एक दो बस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस बात को समझिए। क्योंकि शिक्षा विभाग को एक्शन लेना पड़ेगा और एक भी गलती अगर पाई जाती तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि उसको उसकी मान्यता को जो रद्द करे। जी मोनू पांचाल भी हमारे साथ है। मोनू पांचाल, मेरा सवाल आपसे है कि 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, कुछ बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और वहीं स्कूल पर अब आगे की क्या रणनीति जो है, क्या कार्रवाई की जाएगी?
देखिए बात की जाए तो अंकिता, जिस तरीके से आज की बात की जाए तो आज को लेकर के जिस तरीके से सुबह जो है वो आरटीओ विभाग ने पूरी तरीके से जो है वो स्कूली बसों को चेक किया है। उसके साथ मैं बता दूं कि अभी जो है स्कूलों को जो स्कूल की बसों को चेक करने के दौरान अब जो है आज जो है 3 बजे के करीब यानी कि 2 बजे से और 3 बजे तक जो है वो लगभग शहरी क्षेत्र में जो है वो जांच की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह की आरटीओ विभाग का कहना यही है कि जितनी भी शहरी क्षेत्र में जो बसें चलती है वो लगभग 99% जो है वो कंप्लीट रहती है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लापरवाही जो निजी स्कूल करते हैं उनकी वो बसें हैं वो धड़ल्ले से ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से जो सख्ती से जांच यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो अगर वो खामियां पाई गई, अगर किसी स्कूल जो मालिक के खिलाफ कोई जो है वो कमियां मिली तो उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करने के अनुरोध जो है वो दावे जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो अभी तक जो है वो बसों पर कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो बसों में ठसाठस बच्चों को जो है वो अधिक से अधिक भरा जाता है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन अंकिता, सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वो जो कहीं ना कहीं सतर्क जो कदम उठाने पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि वो ही जब सख्त कदम उठाएगा तो कहीं ना कहीं जमीन अकेल जो है इन प्राइवेट स्कूलों पे कसी जा सकती है। जी अंकिता जी, मोनू पंचाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हरविंदर और रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल व्हीकल सेफ्टी की मीटिंग आज होनी है, बस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, अब इन्हीं की मीटिंग में अब कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस बुढ़े में इतना ही, नमस्कार।